अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक है, सीखे ठीक है, सब खैरियत है। फ्रेंड, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी आगोश सोसाइटी के साथ जो बाउंड्री वॉल लगती है वो कौन सी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि दिखाता हूँ कि कौन सी बाउंड्री वॉल है और कौन सी सोसाइटी है जो बहुत प्यारी है। और जिस तरह आगोश बहुत प्यारी सोसाइटी बन रही है, इसी तरह वो ज़रात जो है वो बहुत प्यारी सोसाइटी है वो भी बन चुकी है। तो आज हम आपको आगोश के साथ जो बाउंड्री वॉल लगती है वो हम दिखा दें कौन सी सोसाइटी है। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने घर नज़र आ रहे हैं, ये जो इसकी बाउंड्री वॉल है वो आगोश की बाउंड्री वॉल के साथ बिल्कुल टच है, क्योंकि आगोश की बाउंड्री और जो ये घर की बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है आपको, ये इसी आगोश की बाउंड्री वॉल है। और ये जो सोसाइटी है ये कौन सी है, ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारी हमारी सोसाइटी है। इसको इसका नाम है ज़राज, ज़राज हाउसिंग स्कीम है। और ये आप देख रहे हैं कि ये सामने जितने भी एरिए में हमारे साथ टच है, सारी की सारी बाउंड्री जो है वो ज़राज और आगोश टू की बाउंड्री के साथ टच है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि बिल्कुल हमारी बाउंड्री और ज़राज की बाउंड्री जो है वो बिल्कुल साथ ही है, एक ही है। साथ क्या, एक ही है। जो हमारी बाउंड्री है वही उनकी बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं कि ज़राज और आगोश टू जो है वो आपस में ऐसे ही हैं जिस तरह भाई भाई होते हैं। तो आप मेरी बात सुन के तो हंस भी रहे होंगे, क्योंकि आगोश टू और ज़राज ऐसे ही है जिस तरह भाई भाई हो या बहन भाई हो। तो आप इस चीज़ पे गौर करना कि हमारे आगोश टू के साथ बहुत ही प्यारी सोसाइटी है, ज़राज जो काफ़ी तक कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि हमारे इस आगोश टू में भी अच्छी वर्किंग, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हो रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पे प्लाटिंग श्लाटिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपको मैं सारी तफसील के साथ जो जो काम होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लें आप, और ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े अपार्टमेंट जो है ये भी ज़राज के अंदर मौजूद हैं। और ये नीचे वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आगोश टू का है, और ऊपर जो अपार्टमेंट है वो जो है वो ज़राज की तरफ है। तो बहुत ही प्यारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो आप देख रहे हैं। तो हमारी भी माशाल्लाह, ये MBR है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी स्ट्रीट है, मतलब के रोड है बहुत बड़ा। तो ये आप देख सकते हैं आगोश टू में भी ये घर है हमारे, ये बहुत प्यारे घर बने हुए हैं। थोड़े सा रोशनी का मसला है तो घर सही नज़र नहीं आ रहे। तो काफ़ी घर है हमारे आगोश टू में भी जो बने हुए हैं। और जिस रोड पे मैं गुजर रहा हूँ ये MBR है, मेन मेजर रोड हमारा आगोश टू का। तो अब जिस स्ट्रीट की तरफ मैं जा रहा हूँ ये B3 है हमारी, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफार्मर के जो है फाउंडेशन वगैरह बन चुकी हैं, तो यहाँ पे असफाल्ट हो चुकी है। ये देख रहे हैं कि आप, मैं जिस एरिया पे हूँ वहाँ पे असफाल्ट हो चुकी है। और ये हमारी स्ट्रीट है B3, ये B ब्लॉक है, और मैं जहाँ से जा रहा हूँ वो B ब्लॉक है। और आप देख रहे हैं कि सीवरेज भी बन चुकी है, यहाँ पे असफाल्ट हो चुकी है, सारा काम यहाँ पे मुकम्मल। ये देखें पौधे शौधे लगाए हुए हैं। तो ये B ब्लॉक है, और आप देख सकते हैं कि ये ज़राज है। ये सामने जो भी अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, सामने क्या है कि मेरे बिल्कुल करीब करीब है, क्योंकि सिर्फ ये अंदर का जो एरिया नज़र आ रहा है ना, ये आगोश टू का है। और जो ये ऊपर अपार्टमेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, ये ज़राज ज़राज में बने हुए हैं। काफ़ी दिनों से मेरा गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ था, और मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर कोई गलत अल्फाज निकले तो माजरत चाहता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं बहुत प्यारे अपार्टमेंट बने हुए हैं हमारे ज़राज में। तो ज़राज जो है ये तो काफ़ी सारा कंप्लीट हो चुका है, ये देख लें। और ये बाउंड्री, हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री बिल्कुल करीब ही है, बस करीब क्या पास ही है।
ये आप देखिए बहुत प्यारे घर बने हुए हैं। ये देखिए इतनी हाइट पे ये हमारा गोश है नीचे, और ये ऊपर देखिए वो जराज का वो बहुत प्यारा घर बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये देख ले वही घर बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है ये। और ये हमारे होस्ट हुए, और ये आप देख लें कि मैं, ये बहुत बड़ी स्ट्रीट है जो B3 है, इस पे इस एरिया में आया हूँ। और ये आप देख लें ये स्ट्रीट जो छोटी जा रही है ज़राज की तरफ, ये B4 है। ये आप देख लें, ये देखें बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल करीब हूँ अपार्टमेंट के, एक ही बाउंड्री हमारी। और मैं आपको बिल्कुल बाउंड्री के पास करीब जा के दिखाता हूँ कि ये ज़राज है और ये अघोश है। ये आप देख लें, ये देखिए फाउंडेशन वगैरह भी बन चुकी हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए। ये देखिए अगोस्टू में जिन जिन स्ट्रीटों पे असफाल्ट भी हो चुकी है उनके अंदर, ये देख लें आप, ये सीवरेज का वर्किंग वगैरह भी हो चुकी है। और ये हमारी है B5, और B5 के बिल्कुल ये देखें, ये सामने ये ज़राज की बाउंड्री और हमारी बाउंड्री है। और ये देखिए ये अपार्टमेंट है, बिल्कुल करीब ही है, तो ये देख सकते हैं कि वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है ये कॉलेज है ज़राज में, जो यसरा के नाम से मशहूर है, और ये मेडिकल कॉलेज है। ये देख रहे हैं, और इनके साथ वो नीचे गाड़ियां बसें वगैरह भी खड़ी हैं जो हॉस्टल वगैरह में आगे पीछे लेके जाते हैं बच्चों को। ये देख लें आप, ये ज़राज हमारा, वो बहुत बड़ी वाल लगाई थी इन्होंने जो प्लम कंक्रीट से बनी गई है, और काफ़ी हैवी किस्म की दीवार लग रही है मुझे। ये भी बिल्कुल पास है मेरे, और ये इसलिए लगाई थी कि ऊपर वाला जो एरिया था वो स्लाइड हो रहा था, और स्लाइडिंग की वजह से एरिया जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, और वो ऊपर घर जो है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो वाल लगा दी है वहाँ पे प्लम कंक्रीट की। तो अभी आप देख लें कि ये होश है हमारा जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ। अच्छा, ये क्या है, ये देखते देखते देखते, अच्छा ये क्या मिल गया मुझे, जाते जाते कुछ चीज़ मुझे मिल गई है। अच्छा ये तो है कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट सीपीज पॉइंट जो होता है, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो सर्वे लोग जो होते हैं उनको अच्छी तरह इस चीज़ का पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये सीपीज लगी हुई है, और कंक्रीट की पक्की जो बुती है वो लगी हुई है। तो ये देखें, और ये सामने बाउंड्री लगी हुई है, ये देखें ये बाउंड्री है, और ये जो उन्होंने एरिया बनाया है यहाँ पे उनका पार्क है कोई, और इस पार्क को वो देखें फाइनल कर रहे हैं, काफ़ी फिलिंग शिलिंग की थी इधर। और ये देखो उन्होंने दीवार लगाई हुई है, ये वाली ये स्टोन की बड़ी दीवार लगाई है, ये देखें, ये देखिए ये बाउंड्री है हमारी, ये बाउंड्री उन्होंने लगा दी। और वो जो दीवार जा रही है वो नीचे की तरफ, वो है नाला हमारा यहाँ पे, ये देखें ये एरिया जो है ये होश का है, होश 2 का, और उस तरफ ये ज़राज है, ये बाउंड्री लगी हुई है इन्होंने पत्थरों की लगाई हुई। और वो देखे कॉलेज बना हुआ है वो सामने, मेडिकल कॉलेज है, ये देखे बहुत प्यारा है ज़राज में, आप देख लें। और एक दफ़ा विज़िट करें अगर ज़राज का आप कर सकते हैं विज़िट, तो अघोश का भी प्लीज़ लाजमी विज़िट करें। और यहाँ पे भी देखें कि अघोश में बहुत सारे प्यारे प्यारे प्लाट्स हैं,
और बहुत अच्छा एरिया हमारे पास, क्योंकि अच्छा एरिया इस वजह से होता है कि क्योंकि खूबसूरत होता है, और खूबसूरती जो होती है वो यहाँ पे जो पहाड़, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीनरी की वजह से पहाड़ है, ये देखिए। अच्छा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो वॉल लगी हुई वहाँ से ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये वाला, ये ज़राज और ये अगोस्टू है, ठीक है। तो क्या सुनने में आया है कि सुनने में क्या आया है कि बहुत जल्दी यहाँ से ज़राज जो है वो इन करेगा अगोस्टू में, क्योंकि उसका रोड जो है वो हमारे MBR के साथ टच होगा, और हो सकता है ऐसे ही हो क्योंकि सुनने में आया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये जल्दी ज़राज और जो अगोस्टू है इसका इसके साथ एंट्री हो जाएगी, और उधर से जितनी भी ट्रैफिक गाड़ियां वगैरह होंगी हाफ इधर हो जाएंगी अगोस्टू की तरफ। और ये देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी हमें सहूलत हो जाएगी, हमें भी, क्योंकि हम भी ज़राज में एंट्री कर सकेंगे और वो अगोश में एंट्री कर लेंगे, ये आप देख लें। तो मेरा मेन मकसद था यहाँ पे आपको बाउंड्री वाल दिखाना, तो ये आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल जो है वो बिल्कुल हमारे साथ साथ है, एक ही है। जो पहले बात मैंने की थी आपके साथ कि ज़राज और अगोश ऐसे है जैसे भाई भाई होते हैं या बहन भाई होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एरिया हमारा। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको जितनी भी वीडियो या जो भी काम वर्किंग वगैरह होगा इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेहरबानी करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी का जो बटन है प्लीज़ प्लीज़ वो बटन दबा लें, और ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो जो है वो आप देख सकें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।